हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखिए, सुबह आज है दिन संडे और आज है 16 तारीख। तो आज नाश्ते में बना रहे थे हम मेथी के पराठे। और मेथी के आटे में लगाया था हमने आटा, मेथी को कच्ची ही काट कर धोकर उसे अच्छे से सुखा कर आटे में गूंद दिया था। और उसमें गूंदने में डाला था आटे में हमने नमक और थोड़ी सी मिर्ची। धनिया ख़त्म हो रहा था तो इसलिए धनिया नहीं डाला था। और आटा थोड़ी देर बाद रेस्ट किया था, उसके बाद हमने बनाने शुरू किए थे पराठे। तो एक तरफ बन रही है चाय तो उसी तरफ बन रहे हैं मेथी के पराठे। तो सुबह में बच्चे ये सब नाश्ता कर लेंगे और आज दोपहर में खाने में हम बनाएंगे मेथी आलू की सब्ज़ी। तो चलिए फिर, पराठे बन चुके हैं हमारे और अब हम कर लेते हैं दोपहर को तो सब्जी बनेगी, तो अब हम नाश्ता कर लेते हैं। और ये देखिए, आपको दिख रही होगी एक साइड पे बहुत सारी रोटी रखी हुई हैं, तो ये रोटी रात की बची हुई हैं। और क्योंकि सुबह भी अब दो निकाल दी थी गाय की, तो ये सब एक साथ गाय को या किसी भी जानवर को दी जाएंगी। और देखिए, चीनी ख़त्म हो चुकी थी चाय में डालने के लिए, तो चीनी का डिब्बा उठाकर हमने चीनी चाय में डाल रहे हैं। और सब खाना नाश्ता कर चुके थे तो ये लास्ट है, तो लिए ही बचा है, तो अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद मिलते हैं आपसे। अभी बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, तो नाश्ता करने के बाद हम करेंगे किचन क्लीन। और आज सुबह में सफाई नहीं की थी घर की, तो घर की सफाई पे बाद में ही होगी, सब काम आज बाद में होंगे, क्योंकि आज सुबह बस देर से उठे थे थोड़ा सा, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी इस वजह से। और नहाने धोने के बाद हमने थोड़ा सा घर का काम जो किया, उसके बाद हमने और फालतू कुछ काम नहीं किए, तो बाकी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ काम बाद में ही होंगे। आई होप अगर वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए फिर, अब मैंने सारे बर्तन इकट्ठे कर कर रख दिए हैं और नाश्ता भी बन चुका है। अब बस चाय गर्म हो रही है एक तरफ। और देखिए, मैं आपको दिखा रही थी कि मेथी के पराठे बन चुके हैं, इतने अच्छे, बहुत टेस्टी बने थे सच में, खाने में बहुत ही टेस्टी लगे थे। और देखिए, आ गए हैं रूम में और रूम क्लीन करने शुरू कर दिए। देखिए, कुर्सी दोनों ही रात पड़े थे तो भरी पड़ी थी, और कपड़े भी धोए थे तो वो सूख चुके थे, उनको भी तय लगा कर रखना था अच्छे से, तो कपड़े तय लगाएंगे और इसके बाद करेंगे हम किचन क्लीन। पहले रूम क्लीन करने में टाइम लगता है, तो इसलिए रूम क्लीन करके जाएंगे, क्योंकि आज दोपहर में तो खाना शायद ही बन पाएगा, क्योंकि सुबह नाश्ता हैवी हो चुका था, तो पराठे मेथी के खा लिए थे सबने, इसलिए किसी को तो मेथी की सब्ज़ी नहीं बनाएंगे हम। बस अब किचन क्लीन करके उसके बाद देखते हैं और क्या काम कर सकते हैं। और ये अब तक राव का ट्राईबोर्ड रखा होता तो ये ट्राईबोर्ड हार नहीं है, ये मेरी सिस्टर, तो मेरी सिस्टर की जो बेटी है बड़े वाली उनका है, तो ये वापस जाएगा। और ये देखिए, जो ये टुकड़ा रखा है इसके नीचे मुझे एक चौंकी लगानी पड़ती है, क्योंकि ऊंचाई की वजह से इसे ऊंचा करके रखना होता है तो स्लैब पर पूरा नहीं आता है, और फिर इसलिए इसके नीचे हमने चौंकी लगा रखी है। और ये देखिए, अच्छे से स्लैब को बिल्कुल से रगड़ रगड़ के साफ कर दिया है। और अगर हम इसमें पानी डालते तो किचन में पानी पानी हो जाता, और फिर फ्रिज भी रखा हुआ था, फिर फ्रिज से हटने का नहीं, तो इसीलिए ऐसे ही कपड़े से अच्छे से पोंछ कर साफ कर दिया। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से साफ हो चुकी है। और आप लोग सजेशन दीजिएगा कि मुझे किस तरह से सजाना चाहिए और किस तरह से डेकोरेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी अलमारी वगैरह नहीं बनी हुई है अभी, और ये ज़्यादा मतलब इससे भी नहीं तैयार नहीं हुई है पूरी तरह से, तो खिड़की में भी बहुत ज़्यादा जाम रहते हैं, जैसे कि कांटों वगैरह आ जाती है, तो देखिए खिड़की भी खुली हुई है, यहाँ से हवा भी बहुत ज़्यादा आती है। और उसके बाद स्लैब वगैरह अच्छे से साफ़ करने के बाद, पहले किए थे बर्तन क्योंकि दूसरी तरफ की स्लैब हम साफ़ तब तक नहीं कर सकते थे जब तक बर्तन साफ ना हो। और बर्तन देखिए, मान तो अच्छे से सकते हैं गर्म पानी से, लेकिन धोने तो वही ना टैंक के ठंडे पानी से पड़ेंगे, तो गर्म पानी से मान तो फटाफट लिए थे, लेकिन टैंक के पानी से जब धोने पड़े तो हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और वैसे भी बाहर आज हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, और ये स्टैंड लगाने का मन नहीं था बिल्कुल भी लगाना पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पर लगाने का मन था आरो, इससे कि वाटर कूलर ना रखना पड़े स्लैब पर, लेकिन आरो लगा तो स्टैंड कहाँ पर रखते, इसलिए बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, इसलिए स्टैंड ही लगा लिया।
क्योंकि पानी का तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन बर्तन इतने सारे हैं तो बर्तनों का नहीं चल पाता। और देखिए दूसरी तरफ की स्लैब भी साफ़ करनी शुरू कर दी है, और आज कुछ चेंज कर देंगे तो आज वाटर फ्लोर उधर की जगह इधर रखा जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम्स एक जगह पर रखी हुई चीज़ अच्छी नहीं लगती ना, इसीलिए चीज़ को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। तो चलिए फिर किचन क्लीन करके, उसके बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी तो मैंने बनाई थी उसके बाद अपने लिए चाय, और कुछ देर बाद ये भी आ गए थे तो फिर हमने इकट्ठी ही चाय बना ली थी तो ये आ गए थे साथ में, सब ने बैठ कर चाय भी ली। और ये देखिए ये आ गया, ये उससे पूछ रहा था कि खेलने जाऊँ क्योंकि इसको फीवर और था तो मना कर दिया। तो ये देखिए किचन पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है, और हाथ का भी हमारे पास लगाने के लिए, आज एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी और ठंडे पानी से पोछा लगाने का मन नहीं था, तो इसीलिए सोचा इससे ही लगा लिया है। तो चलिए फिर पोछा लगाने के बाद आकर, लेकिन ये रोटी वाला डिब्बा समझ में नहीं आ रहा था कहाँ रखे, तो फिर इसको उस पर रखते हैं। बन चुकी है शाम की चाय, तो आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए शाम की चाय। और इस वीडियो को पढ़ते हैं अब यहीं पर एंड। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं न्यू वीडियो में।